मुसलमान भी हैं और हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं। और हमने इसको इज्जत और गैरत के साथ इसकी हिफाजत भी करनी है और इसको इस्तेमाल भी करना है जब हमें जरूरत हो इसकी। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब के कल के बयान को किस रोशनी में देखते हैं और एनालाइज करते हैं, जिन्होंने कहा कि जंग हो भी जाती है तो हम इस्तेमाल नहीं करें? बयान किसी रोशनी में नहीं, ये तारीकी और गुमराही और जहालत के अंधेरों में दिया गया है। ये मुसलमान कौम ने अगर हथियार अपने पास रखा है तो किस लिए? तमाशा बना के म्यूजियम में रखने के लिए तो नहीं रखा है। के ऊपर जब बाल कटवाने की बारी आई तो एक फलस्तीनी खानदान से हमने कहा कि हमारे बाल काट दो। जब उनको मालूम हुआ कि हम पाकिस्तान से हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे हम लोग बैतुल मकदस शरीफ से आए हैं और हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हमको यह बताया है कि बैतुल मकदस शरीफ को आजाद कराने के लिए पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम आएगी। किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि पाकिस्तान कितने अरसे तक मजामत कर सकेगा, अल्लाह ने जवाब उसको दिलवाया कि पाकिस्तान लिटरली इन 5 ईयर्स वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 ईयर्स, आई गारंटी यू 5 ईयर्स। इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया। अगले 2 माह के अंदर अंदर तवक्को इस बात की है कि पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब से दो तरफ से हमलों का सामना करना पड़ेगा। इसमें इसराइली तैयारे भी शामिल होंगे। इंडियन मीडिया जो दिखा रहा है इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां, उसमें वो F-16 दिखा रहे हैं। इंडिया के पास F-16 नहीं है, ये कहां से आएंगे F-16? ये उनके तैयार है, इसराइल के इसराइली तैयार है, और उनके F-15 F-14। We should launch 1 or 2 missiles। हमें 1-2 मिसाइल लॉन्च करने चाहिए इसराइल की तरफ। बेशक न्यूक्लियर वॉरहेड उनमें ना हो, क्योंकि वहां हमारे फलस्तीनी भाई भी रहते हैं। एक कन्वेंशनल वेपन भी अगर लैंड करे इसराइल पे, उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए अल्लाह के हुक्म से ये खुशखबरी सुना देते हैं। अल्लाह के फजल से हम ये खुशखबरी उस लंदन वाले को सुना देते हैं कि जहन्नम के बदतरीन कोने में तुम्हारा मकाम लिख दिया गया है। देखिए जो होने जा रहा है वो तो बिल्कुल वाज़े है। चंद हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5-3 महीने हमारी सरहदों पर जंग मुसल्लत की जाएगी। तैयारी कर लीजिए, जंग आएगी। अब तक एज पर टुडे इसके प्लान रेडी हैं।
एक तो ये कि अवाम उन्नास का गुस्सा फिर इस मकाम पर पहुंचे, जलाल इस मकाम पर आए कि फिर सड़कों पे निकाल के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा को निकाल बाहर किया जाए। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट है उसके लिए सिर्फ पिंडी जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस तरीके पे भी इस हुकूमत को हटाया जा सकता है। चंद रोज पहले पाकिस्तानी रेंजर का एक सिपाही पार करके इंडिया चला गया, गांव वालों ने इसको पकड़ लिया और ले जाके अपने घर में बंद किया। ये समझ रहे थे स्मगलर। रात के वक्त एक बूढ़ी खातून आई सिख और बड़े प्यार से उसको डपट दे के कहती है कि पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था कि तुम स्मगलिंग करो। तो सिपाही चौंका, कहते हैं अम्मा पहले तो मैं स्मगलर नहीं सिपाही हूं, और दूसरी बात पाकिस्तान आपने कब बनाया था। बुढ़िया रोने लगी, कहती बेटा मैं तुम्हें सिख नजर आती हूं लेकिन मेरा नाम सकीना है, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान बनाते कटा था, और आज भी मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं पाकिस्तान का नाम लेकर उन पर दम करती हूं और अल्लाह उनको शिफा दे देता। खबरदार इस पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाना वरना मेरी आह लगेगी तुम्हें। ये एक सकीना है, इस तरह की 2.5 लाख आज भी जिंदा है।